2 दिन पहले 5 तारीख शुक्रवार का दिन था। मध्य प्रदेश का मुरैना शहर अभी सूरज निकला नहीं था। लाखों की आबादी वाले मुरैना शहर की एक गली में अर्ली मॉर्निंग एक घर के अंदर रोशनी जगमगा रही थी। घर में मौजूद सभी सदस्यों के चेहरे पर आज गजब का तेज बिखर रहा था, मानो आज इस परिवार के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हो, मानो बरसों पुरानी तपश्चर्या का फल मिला हो। ये लोग जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे थे। उसी दौरान एक गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी में घर का सामान पैक कर दिया गया। फिर परिवार के सारे सदस्य एक बड़ी उम्मीद के साथ उस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी रवाना हुई। गाड़ी शहर से बाहर निकली, पूरे परिवार ने पीछे मुड़कर शहर की ओर देखा, फिर आगे मुड़ गए, क्योंकि मुरैना शहर उनका आशियाना नहीं था। वो तो बरसों पहले कहीं और से आए थे और मुरैना आकर बस गए थे, लेकिन आज विधाता ने इस परिवार को अपने मूल घर बुलाया था। बरसों बीतने के बाद पूरा परिवार आज इस रास्ते से गुजर रहा था। गाड़ी मुरैना से मुड़िया घेरा होते हुए जिगनी, नावली, बड़ा गांव, मीरघान, लल्लू बसाई और सिहोनिया तक पहुंची। करीब 1 घंटे का सफर तय कर गजेंद्र सिंह तोमर अपने गांव लेपा पहुंच चुके थे। आज उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज से 10 साल पहले गांव में 2 हत्याएं हो गई थी, जिस कारण गजेंद्र सिंह को अपने गांव से रातों रात भागना पड़ा था। लेकिन 10 साल बाद आज खुशियों का अवसर आया था। इधर गांव पहुंचते पहुंचते सूर्योदय हो चुका था, लेकिन गजेंद्र सिंह को अंदेशा तक नहीं था कि उनके परिवार के गांव में आने से क्या होने वाला है। आज बेशक सूर्योदय हुआ था, लेकिन एक परिवार का सूर्यास्त निश्चिंत था। विधाता ने कहानी लिख रखी थी। गाड़ी जैसे ही गांव में रुकी, गजेंद्र सिंह उस घर को देखकर मन ही मन मुस्कुरा दिए कि 10 साल पहले की यादें फिर से ताजा होंगी। गजेंद्र सिंह का ये सोचना और सामने घर की छत पर बैठे लोगों का दौड़ना गजेंद्र सिंह का परिवार कुछ समझ पाता। उससे पहले तो लाठी डंडों से इस परिवार पर धड़ाधड़ वार होने लगे। सामने बैठे लटबाजों का एक बड़ा हुजूम दानवों की सेना बनकर आया। गजेंद्र सिंह का परिवार कुछ समझ पाता। उससे पहले एक लड़का आया, हाथ में राइफल लिए सटीक निशाना लगा रहा था। 1 गोली 1 लाश, ऐसे ही 6 गोली में 6 लोगों को ढेर कर दिया गया। चारों ओर भगदड़ मच गई। गजेंद्र सिंह का हंसता खेलता पूरा परिवार पलक झपकते तबाह हो गया। यह एक बदला था जो लड़का गोलियां चला रहा था। आज से 10 साल पहले इसी तरह उसके बाप को मौत के घाट उतार दिया गया था, और आज बदला लेकर वह लड़का चंबल की ओर भाग गया। लोग बता रहे थे कि यह लड़का अब बागी बनेगा, डकैत बनेगा। तो भाई लोग, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना के गांव लेपा में हुए 6 कत्ल की पूरी कहानी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। कैम जो मजामा, अरे काके, मध्य प्रदेश के जिस लेपा गांव का हमने जिक्र किया, इसी गांव से सटा हुआ और एक गांव है भिडोसा। अक्सर लोग बातों बातों में बोला करते हैं कि कहा जाना है तो कि लेपा भिडोसा, लेकिन दोनों गांव अलग अलग है। खैर, यह गांव है सबसे कुख्यात, सबसे मशहूर डकैत पानसी तोमर का। पानसी तोमर इसी गांव में पला बड़ा, बाद में एथलीट बना, कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए। लेकिन जब वह गांव आया तो देखा गांव के दबंगों ने उसकी जमीन छीन ली, उसके परिवार को मारा गया, पीटा गया। और जब वह पुलिस से मदद मांगने गया तो वहां पुलिस ने भी उसे डांट कर भगा दिया। इसके बाद पानसी तोमर एथलीट नहीं रहा, बल्कि एक बागी बन गया, डकैत बन गया, और एक के बाद एक कत्ल करता रहा, रंगदारी मांगने लगा, अपहरण करने लगा। ऐसे कौन से काम थे जो पानसी तोमर ने नहीं किए थे? आज उसी की राह पर और एक नौजवान चल पड़ा है। 1, 2 नहीं बल्कि 8 कत्ल हो जाते हैं, तब जाके पुलिस की नींद उठती है, तब जाकर पुलिस वहां पर डेरा डालती है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया थाना में एक गांव पड़ता है लेपा, और उसके पास में पानसी तोमर का गांव भिडोसा। दोनों गाँव को एक साथ बोला जाता है लेपा भिडोसा, जहाँ शुक्रवार सुबह एक परिवार के 6 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि गांव के 2 परिवार के बीच पिछले 10 साल से रंजिश चल रही थी। इसके चलते ही शुक्रवार को एक परिवार ने दूसरे परिवार पर फायरिंग कर दी। 3 पुरुष और 3 महिलाएं मारी गई, सभी एक ही परिवार के थे। 3 लोग घायल है। इसी गांव के रविंद्र सिंह कांग्रेस विधायक है।
इधर इस गांव में हुए हत्याकांड को लाइव मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब से जिस किसी ने इस वीडियो को देखा हर कोई खौफ में डूब गया। वीडियो में हमलावर लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं, कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हैं। इसी बीच एक युवक आता है और एक के बाद एक 9 लोगों को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद सभी लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। घटना स्थल पर बच्चे भी थे जिन्हें एक महिला आवाज देकर घर के अंदर बुला रही है। इस महिला की आवाज भी ऑडियो में आ रही है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी धीर सिंह तोमर और राजू सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। इस फायरिंग के दौरान जिन 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया उनके नाम इस प्रकार है: लेस कुमारी, बबली, मधु कुमारी, गजेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश और संजू। वहीं विनोद और वीरेंद्र घायल हुए हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। वर्ष 2013 में बूढ़े गाने को लेकर के लोखा गांव में धीर सिंह और गजन सिंह के बीच में विवाद हुआ था। इसमें जिस स्थान पर खड़े हुए हैं यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई थी। एक व्यक्ति गाने का था, उसका प्रकरण ADJ अम्बा न्यायालय में चल रहा था। उसमें मृतक पार्टी या गजन सिंह और उनके परिवार के लोग उनके द्वारा ये बताया गया था कि हमारा इनके साथ समझौता हो गया और समझौता के होने के पश्चात ही हम लोग जो है यहाँ गाँव में उनकी सहमति से ही रहने के लिए आए थे। इसमें करीबन जो है इनके 20-25 लोग गाड़ियों से, कोई ग्वालियर में रहता था, कोई अहमदाबाद में, तो उनके द्वारा ये हमको कंसेंट दी गई थी कि आप गांव में रह सकते हो। कोर्ट में भी ये बयान अपने नोट गए थे, ऐसा इनके परिवार जनों ने बताया। और उसके बाद वह जैसे ही यहाँ घर पे 9:30 के 10 बजे के लगभग भी आते हैं तो उसके बाद वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं उनके परिवार के। और उसके बाद भी हम लोग उनके मौके पर मौत हो जाती है और उसके बाद बाकी जो घायल लोग थे उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल लगाया था। वहाँ पर भी उनकी हालत गंभीर है, 3 डेथ हो चुकी है, अभी होना बताया जा रहा है, उसके हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। और आरोपी चूँकि इनके घर के सामने रहते हैं और इनको ऐसा अंदेशा नहीं था, उनके द्वारा हमको या थाने को कभी भी जो ऐसा सूचित किया गया कि हम गाँव में रहने जा रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज हम उनको फोर्स मुहैया कराते, क्योंकि इनकी आपसी सहमति और राजीनामा सब कुछ हो चुके थे और उसके आधार पर ये यहाँ रहने के लिए आए थे। इस वजह से जो है इनके साथ में धोखे से ये घटना घटती है और एक ही पक्ष के लोग जो खत्म हो गए। कितने लोगों की मौत हो गई? इसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष। सर कितनी जमीन का विवाद था? कुछ पूरा जो डालते हैं सरकारी जमीन पर, अभी जो हमारे इनके परिवार की जो महिलाएं हैं पूरा डालने को लेकर के विवाद हुआ था। तब समय जो है 2 लोगों की मौत हुई थी, उसी को लेकर के उसकी पुरानी रंजिश को ही आज उन्होंने घात लगा कर। अरे मामा, इस हत्याकांड की वजह भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। दरअसल लेपा गांव के गजेंद्र सिंह तोमर और धीर सिंह तोमर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 2013 में गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों ने धीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा आरोप लगा। इस मामले में केस चल रहा है। गजेंद्र सिंह ने 6 लाख रुपये मुआवजा भी दिया था, लेकिन पैसा लेने के बाद भी धीर सिंह के परिवार ने मुकदमा वापस नहीं लिया। गजेंद्र का परिवार धीर सिंह के परिवार के डर के मारे मुरैना में रहता था। गजेंद्र सिंह तोमर के बेटे राकेश सिंह तोमर ने बताया कि शुक्रवार की सुबह हमारा परिवार मुरैना से गांव पहुंचा। धीर सिंह का परिवार छप्पर पर बैठा हुआ था। हमारी गाड़ी रुकते ही सभी लोग दौड़कर आए और लाठिया और बंदूक से हमला कर दिया। इसी बीच गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमारे तरफ से 6 लोगों को गोली लगी है, इनमें 3 महिला भी शामिल है। वीडियो में जो गोलियां चला रहा है उसका नाम अजीत है। इसके साथ ही मोनू, बलराम, गौरव सिंह भी फायरिंग कर रहे थे। इस गोलीबारी में कुसुमा तोमर ने अपने पति, बेटे और 3 बहुओं को खोया है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल की जमीन को लेकर 2013 में परिवार के अन्य लोगों से विवाद हुआ था। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, इसके बावजूद हमारे परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा दिए गए। फिर जेल में राजीनामा हुआ। हमने आरोपियों को 6 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर दिए थे। हमारा मकान भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया था। हम आज ही गाड़ी से आए थे, सुबह दूसरे के घर उतरे थे। हमारे उतरते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, उनके लड़के गोली चलाने लगे। गोलीबारी के बाद करीब 2 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं आई थी। इधर मुरैना में पोस्टमार्टम के बाद सभी 6 शवों को एम्बुलेंस में लेपा भिड़ोसा गाँव लाया गया, जहाँ परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। देर रात तक प्रशासन और पुलिस ने काफी समझाने के बावजूद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुआ। परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से आरोपियों के घर को ध्वस्त करने की मांग की है। साथ में परिवार की पर्याप्त सुरक्षा को लेकर लाइसेंसी शस्त्र देने की मांग की है। इधर पीड़ित परिवार का कहना है कि आज से 10 साल पहले जो 2 हत्याएं हुई थी उसमें हमारा कोई रोल नहीं था।
दूसरे लोगों ने हत्याएं की थी, बावजूद हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। इधर न्यूज और मीडिया और टीवी चैनलों पर और एक कहानी बताई जा रही है कि साल 2013 में लेपा गांव में रहने वाले धीर सिंह और गजेंद्र के परिवार के बीच एक स्थान पर कचरा डालने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि धीर सिंह के परिवार के सोबरन और विरभान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इन दोनों की हत्या गजेंद्र के बेटे वीरेंद्र ने की थी। इसके बाद खुद के परिवार को बचाने गजेंद्र पूरे परिवार के साथ मुरैना चला गया, जबकि बेटे वीरेंद्र को अहमदाबाद भेज दिया, लेकिन पुलिस ने वीरेंद्र को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। वीरेंद्र ने 18 महीने जेल में सजा काटी और भी रिहा हुआ। वीरेंद्र के पिता गजेंद्र ने धीर सिंह के परिवार से समझौते की पेशकश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई थी। गजेंद्र का परिवार गांव आया और देखते ही देखते उसके परिवार के 6 लोगों की लाशें गिर गई। तो भाई लोग ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।